हेलो एवरीवन आज के इस लेक्चर में हम अमाइंस यानी कि अमाइनो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज़ अमाइनो कंपाउंड्स और सिंपली हम उसको अमाइंस uh, भी बोल सकते हैं नाउ अमाइन या अमाइनो ग्रुप बेसिकली क्या होता है कि जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं हमारे स्पेशली अमाइनो एसिड है उसमें भी आपको अमाइंस जो है एन एच टू बेसिकली यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है सो दिस स्ट्रक्चर और दिस फार्मूला और दैट फंक्शन ग्रुप इज़ कॉल्ड एज वॉट अमाइनो ग्रुप नाउ दिस इज़ कॉल्ड एज वाट अमाइनो ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है uh, और ये वाले uh, जो एन एच टू और एन एच या एन कंटेनिंग सिस्टम या एन कंटेनिंग एलिमेंट जब कार्बन के साथ बाइंड होते हैं सो दैट फंक्शन ग्रुप्स आर गोइंग टू कॉल्ड एज ए अमाइंस नाउ चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन अमाइन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट द बेसिसिटी एंड द इफेक्ट ऑफ सब पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि अमाइनो कंपाउंड की बेसिसिटी या फिर उस पर इफेक्ट्स सब का कैसे इफेक्ट होता है वो वाला देन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन है ना एनिलीन आपको प्रिपेयर करना है फ्रॉम नाइट्रोबेंजन से और उसके कुछ रिलेटेड रिएक्शंस है जैसे एग्जांपल विथ एसिटिल एंड बेंजाइल क्लोराइड विथ ब्रोमिन ब्रोमिन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड दैन कार्बिल टेस्ट या कार्बिलामिन रिएक्शन देन अलगलेशन रिएक्शन एंड लास्ट लन हॉपमन एग्जासिव मिथाइलेशन एंड इट्स अ मेकेज्म सो ये रहा हमारा कम्पलीट uh, जो पॉइंट्स हम आज कवर करने वाले हैं ओके okay. नेक्स्ट uh, हमारा रहेगा कि इंट्रोडक्शन सो so, सबसे पहले हमको अमाइनो कंपाउंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि अमाइनो कंपाउंड्स आते कहाँ से सो दिस अमाइनो कंपाउंड्स बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया ओके सो ये सब अमोनिया से डिराइव किए गए बाय जस्ट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन बाय अल्काइल ग्रुप ठीक है तो सिंपली हम दिस इज वाट ड्यू अमोनिया एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते कि दिस इज पैरामिडल स्ट्रक्चर है दिस इज वाट अमोनिया ओके और इस अमोनिया को हमने क्या किया है वन बाय वन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय द इनकमिंग अल्काइल ग्रुप सो लेट्स लुक एट दिस विन सो हम इससे थ्री uh, तीन अलग अलग जो है कंपाउंड बना सकते हैं सो फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा तुम्हारा प्राइमरी अमीन जहाँ पर हमने रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय अल्काइल ग्रुप देन वी हैव द सेकेंडरी अमाइंस बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ टू हाइड्रोजन बाय अल्काइल ग्रुप एंड रिप्लेसमेंट ऑफ थ्री हाइड्रोजन बाय अल्कायल ग्रुप दट्स कॉल द टर्शरी एमाई सो प्राइमरी टर्शरी एंड सेकेंडरी ओके और प्राइमरी सेकेंड्री एंड टर्शरी दीज आर द टाइप्स ऑफ वट अमाइंस ओके विच आर कमिंग फ्राम वट द अमोनिया कहाँ से आते हैं ये ये सब अमोनिया से है क्लासीफिकेशन जैसे हमने अल्कोहल्स का वगैरह करते हैं उसी तरह से आपको इनका भी क्लासिफिकेशन करना होता है सो so, क्लासिफिकेशन में हम प्राइमरी सेकेंडरी uh, और टर्शरी अमाइन जैसा हमने अभी बनाया था उसको एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं दिस इज वाट मिथिल अमाइन ये हो गया तुम्हारा एन मिथाइल एन एन हम इसको यहाँ पे ले सकते दिस इज वॉट द टू मिथाइल ग्रुप्स आर बेसिकली सेकेंडरी अमाइन और यहाँ पे आपका हो गया ये ट्राई ट्राई मिथिलामिन डाय मिथिलामी एंड सिंपल मिथिलामाइन सो uh, मिथिलामाइन डाई so, मिथिलामी मिथिल एंड ट्राई मिथाइल अमीन सो so, जितने सब्सटूडेंट्स रहेंगे जितने कार्बन ग्रुप्स रहेंगे उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है अगर आपके पास एक कार्बन है तो प्राइमरी अमीन हो गया दो कार्बन है तो सेकेंडरी हो गया और तीन रहेगा तो आपका टर्शरी रहेगा ठीक है सिमिलरली यहाँ पे हम उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे सो so, ये रहा तीन क्लासीफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम ठीक है सो जैसे हमने अल्कोहल्स को क्लासीफाई किया था उसी तरह से आपको इसको भी क्लासीफाई करना है दैट इज़ द अमाइंस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे पहले कि अमाइंस की जो स्टेट है वो क्या रहेगी क्या वो वाटर सोलिबल होते हैं या क्या ऑर्गेनिक सॉल्ड में सोल्यूबल है या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या रहेगा सो so, प्राइमरी uh, और सेकेंडरी अमाइंस में क्या है एक स्पेशलिटी है उसमें एनएच बॉन्ड प्रेजेंट है और एनएच बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं राइट हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब होता है कि कोई ऐसे टाइप का स्केलेटन uh, होगा उसको अपन हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं ठीक है ठीके? मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कोहालेंटली बॉन्डेड है किसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एग्जाम्पल नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले सकते हैं यहाँ पर और वही हाइड्रोजन आपका पार्शियली uh, बॉन्डेड आपका किस रहेगा इलेक्ट्रोनिगेटिव uh, आइटम के साथ रहेगा और इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ओके नाउ लेट्स दैट मीन्स एन रहने की वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो आपने देखा है कि इसके पहले स्लाइड में कि एन एच कहाँ पर कहाँ पर होता है प्राइमरी अमाइंस में और सेकेंडरी अमाइंस में होता है तो इसलिए जनरली प्राइमरी अमाइंस जो है जिसमें दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है एनएच वाले तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा हाइड्रोजन uh, बॉन्डिंग के लिए कंपेयर टू अदर सेकेंडरी अमाइन ठीक है सो टर्शरी अमाइंस जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि उसमें आपका एनएच बॉन्ड नहीं होता है सो देर इज नो एनएच बॉन्ड ओके तो इस वजह से वहाँ पे जो बॉन्डिंग रहेगी वो आपकी पॉसिबली ही नहीं है ठीक है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट्स को अफेक्ट करता है राइट सो एग्ज़ाम्पल हम अगर हम देखेंगे कि अब अलग अलग आप अमायंस अगर आप कंसिडर करते हो तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा या लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा ये डिसाइड कौन करेगा ये डिसाइड करता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा सो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रोपोर्शनल टू इज प्रोपोर्शनल टू वॉट योर बॉइलिंग पॉइंट एग्जाम्पल प्राइमरी अमाइन जो रहेगा उसका हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा क्योंकि उसमें दो एन प्रेजेंट है फिर सेकेंडरी अमाइन आएगा फिर आपका टर्शरी अमाइन आएगा ठीक है ये हमेशा याद रखना इसके अंदर तो एग्जाम्पल कुछ हमने यहाँ पे कुछ लिए है आपके पास तो देखो प्रोपिल अमाइन ये हो गया प्राइमरी अमीन एन मिथिल इथिल अमाइन ये हो गया सेकेंडरी अमाइन और ट्राई इथाइल अमेन ये हो गया आपका टर्शरी अमाइन अब हम इनका देखेंगे बॉयलिंग पॉइंट कैसे होता है बॉयलिंग पॉइंट जो है मिथिल अमाइन सॉरी प्राइमरी अमीन का है फिफ्टी डिग्री Uh, यहाँ पे थर्टी फोर डिग्री और यह है तीन डिग्री इसका मतलब दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एन एच बॉन्ड ऐसा भी आप याद रख सकते हैं इसको और प्राइमरी में हमको पता है कि प्राइमरी में, में आपके पास दो हाइड्रोजन होते हैं सेकेंडरी में आपके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है और टर्शरी में आपके पास कितने जीरो सो नंबर जो बॉन्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेंगे उस हिसाब से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा वो रहेगा बेसिसिटी का ठीक है अब बेसिसिटी किसको बोलेंगे अपन बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि हाउ योर अमाइंस और हाउ योर नाइट्रोजन लोन पेयर्स आर अवेलेबल टू अब्सैक्ट द हाइड्रोजन है ना एच प्लस आयन जो लेगा सबसे पहले सो उस हिसाब से उसकी बेसिसिटी डिसाइड uh, की जाती है ठीक है चलिए uh, अब यहाँ पे uh, बेसिसिटी का सबसे पहला रीज़न क्या हो गया कि क्यों ये बेसिसिटी दिखाता है क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसके पास होते हैं लोन पेयर और ये लोन पेयर अवेलेबल है ईजिली तो वो प्रोटान लेने के लिए सो so, एग्जाम्पल अगर हम कोई भी प्रोटोनिक सोर्स यहाँ पर लेते हैं तो so, दिस लोन पेयर सर ईजिली टेक द प्रोटान नो सो so, ये देखना हमको ये कि ये बाजू वाले जो ग्रुप होते हैं ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या कैसे आ, इसका बेसिकली नेचर आपका रहेगा ये अगर आ, डोनर रहेंगे विड्रॉर रहेंगे उस हिसाब से बेसिसिटी कैसे डिसाइड की जाती है वो हमको देखना है इसके अंदर ठीक है तो बेसिसिटी का सबसे पहला कंसेप्ट क्या रहेगा आपका कि जो अनशेयर्ड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए प्रोटॉन को अपस्ट्रैक करने के लिए ओके और और उसी की वजह से उसको एक न्यूक्फ्लिक कैटर भी आपको मिलता है क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्ज या फिर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एरिया में ज्यादा रहेंगी क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है ठीक है चलिए सो अमाइंस जनरली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते सो दे आर वीक बेसिस ठीक है बट मोर बेसिस रहेंगे मोर बेसिक रहेंगे किसके कंपेयर में अल्कोहल के कंपेयर में यानी कि अगर आप अमाइंस और वो कंसिडर करते हैं तो अल्कोहल आपकी वीक बेसिस रहेंगे ठीक है देन ईथर देन वाटर एक्सेट्रा ठीक है सो स्टिल ये जो कंपाउंड है ये स्ट्रांग बेसिस है जनरली हम अगर दूसरे अगर कंपाउंड्स कंसिडर करते तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सो so, जब हम अमाइन को वाटर में सोल्यूबल वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो एक इक्वेरियम वहाँ पे डेवलप uh, होता है ठीक है और वो इक्विलिब्रियम क्या बताता है कि अमाइन जो है वाटर से प्रोटॉन ऑक्सैक्ट करता है एग्जाम्पल ये जो रिएक्शन आपने देखी है यहाँ पे सो लेट्स टेक द एग्ज़ाम्पल एन एच थ्री प्लस वाटर सो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा और जिसकी वजह से आपको ये वाला एन एच फोर मिलेगा और एक आपको मिलेगा ओ एच निगेटिव है इसका मतलब यहाँ पे वाटर जो है ये क्या कर क्या रोल कर रहा है एसिड का क्योंकि प्रोटॉन दे रहा है और अमाइन क्या कर रहा है ये बेस का रोल कर रहा है सो अमाइन विल एक्ट एज ए बेस एंड वाटर विल बी एक्ट एज एसिड ठीक है तो एक एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे आपकी हो रही है और ये हमेशा क्या रहेगा ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है ये वाला ठीक है सो लेट्स वी हैव द रिएक्शन सो ओ एच आपका बन रहा है और फाइनली हम उसको बता सकते हैं और इक्विलिब्रियम का जो इक्वेशन है वो ऐसे रहेगा आपका प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट सो so, प्रोडक्ट क्या है आपका प्रोडक्ट है अमोनियम आयन इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच निगेटिव आयन

जो आर ग्रुप है वो रिलीजिंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप है और जिसकी वजह से जो लोन पेयर है वो और ज़्यादा आपका रिच हो जाएगा सो इट विल टेक ईजीली द प्रोटान नाउ सो अगर हम यहाँ पे सिंपल अमोनिया देखेंगे और प्राइमरी अमायन देखेंगे सेकेंडरी अमायन देखेंगे तो यहाँ पे सब जगह पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे प्राइम अमोनिया से लेकर टर्सरी अमायन तक अल्काइल ग्रुप्स आपके बढ़ रहे हैं ठीक है ठीके? और अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं दे आर रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप है जिसके से लोन पेयर की जो आ, Uh, जो रिचनेस है लोन पेयर आपका ज़्यादा रिच हो जाएगा और उस वजह से वो आसानी से प्रोटॉन को अपस्टैक uh, कर सकता है ठीक है सो जनरली अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और उसी वजह से क्या हो जाएगा सो दे किल गेट स्टेबलाइज इट मोर इफेक्टिवली ठीक है और यहाँ पर uh, सब जगह पर जो रहेगा अल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा अटैच रहेंगे ठीक है उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो रहेगा वो उसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है तो ट्रेशरी अमायन जनरली ज़्यादा बेसिक होते हैं अब हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएँ कि बेसिसिटी ऑफ सैचुरेटेड हेट्रोसाइकिल अमाइंस अब हेट्रोसाइकिलिकमाइंस भी तो अमाइन ही है ठीक है बट वो साइक्लिक फॉर्म में ठीक है यहाँ पर अपने पास कुछ एग्जाम्पल्स है और आपको इसका बेसिसिटी निकालनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिसिटी निकालने के लिए हम जनरली क्या यूज़ करते हैं पी के भी निकालते हैं और पी भी जो है जनरली प्रोपोर्शनल होता है किसके थ्रू बेसीटी के थ्रू ठीक है सो सैचुरेटेड हेट्रोसाइकिल जो होते हैं ये जनरली ज़्यादा बेसिक होते हैं कम्पेयर टू अदरसाइकिल कमांच ठीक है एग्जाम्पल मैंने पहला लिया है पायरोडिन पहला पायरोडिन है ये वाला दूसरा जो है ये है पाइपरीडिन है तीसरा तीसरा एग्ज़ाम्पल नो नो दिस इज़ नॉट द ये पहला एग्ज़ाम्पल है पायरोडिन का दूसरा एग्ज़ाम्पल है एन मिथाइल पायरोडिन तीसरा एग्जाम्पल है आपका दिस इज़ कॉल्ड पाइप और चौथा एग्जाम्पल है आपका मॉरफोलिन ठीक है तो ये सब जो है ये सेकेंडरी अमाइन से बराबर है और सेकेंडरी अमाइन से इसमें से एक एग्जाम्पल एक है आपका ये वाला जो और किसका एग्जाम्पल है तर, दिस इज़ अ टर्शरी एग्जाम्पल और टर्शरी के केस में हमने इसके पहले अभी देखा है कि टर्शरी का पी के वी वैल्यू जो है कितना है थ्री पॉइंट सेवन है तो अगर मैं इसको नंबर देता हूँ ए बी सी और डी तो इसमें हम कैसे लगा सकते बेसिक और, बेसिटी ऑर्डर कैसे लगाएंगे तो पहले लगेगा आपका यहाँ पे बेसिक और बेसिसिटी ऑर्डर जो है वो किस तरह से रहेगी बेसिसिटी ऑर्डर जो है आपकी वो हमने देखा है कि रिलीजिंग ग्रुप जितने ज़्यादा रहेंगे जैसे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ये लगा हुआ है ये लगा हुआ है तो टर्शरी ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा तो हम यहाँ पर कंपेरेटिन अगर लगाएंगे तो बी का सबसे सब ज़्यादा पी भी है और फिर यहाँ पे फोर भी दिया हुआ फोर पॉइंट तो ओब्वियसली ज़्यादा बेसिक रहेगा देन थ्री पॉइंट सेवन आएगा फिर टू पॉइंट नाइन आएगा और फाइनली टू पॉइंट सेवन आएगा तो इस तरह से आप बेसिक स्ट्रेंथ जो है उसकी निकाल सकते हैं चलिए अब अरेल अमीन की बात करते हैं अरेल अमीन और सिंपल अमाइंस के कंपेयर में यहाँ पे पी के वैल्यू जो दिया है वो टेन पॉइंट ज़ीरो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपका थ्री पॉइंट फोर सो अब आपको क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अल्किल अमाइन जो है और अर्रिल अमाइन इन दोनों में क्या डिफरेंस है सो so, अल्किल अमाइन का पी के वैल्यू दस दिया हुआ है एज एनिलीन एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है ये सबसे कम बेसिक होते हैं और अल्कि अमाइन जो है वो दिया है आपको फोर पी के बी इसका कितना दिया है थ्री पॉइंट फोर यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड थ्री पॉइंट फोर टू फोर सो एनिलीन जो है ये हमेशा लिस्ट बेसिक रहेगा कंपेयर टू वाट द साइक्लो हेक्सीमिन तो एक यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि बेसिसिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम लगा सकते पी के बी के थ्रू ठीक है वाई यूजिंग दैट इक्वेशन द पी के बी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर द बेसिक स्ट्रेंथ ना ठीक है इसके पहले वाला भी आपको उसी तरह से अप्लाई करना है जो अभी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ठीक है रिमेंबर डिस पॉइंट बेसिसिटी जो है वो ऐसे रहेगी आपकी देन एनिलीन जो है ये वीकर बेस है कंपेयर टू वॉर्ड साइक्लो बिकॉज यहां पे क्या होता है एनिलीन में लोन uh, पेयर जो है आपके वो अवेलेबल नहीं होते हैं सो दैट लोन पेयर आर जनरली एंगेज इन द कॉन्जुगेशन और अगर हमारे पास प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट है सो दैट लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल क्योंकि वो तो एंगेज है इस वजह से एनिलीन जो है ये कम जो है वीकर बेस है और यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सीलामीन का लेते हैं साइक्लोहेक्सीलामिन तो ये लोन पेयर तो फ्री है सो तो ये फटाफट जो है ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे इस वजह से साइक्लोहेक्सीलामीन है तो ज़्यादा बेसिक रहेगा कंपेयर तो टू द एनिलीन ना ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आना चाहिए इसी हिसाब से तो यहाँ पे दिखाया गया है कि साइक्लोहेक्सिलामीन और एनिलीन में क्या डिफरेंस है तो साइक्लोहेक्सीलामिन में लोन पेयर आपका अवेलेबल है और यहाँ पे लोन पेयर आपका एंगेज है कॉन्जुगेशन में जिस वजह से वो लोन पेयर अवेलेबल नहीं है ओके okay? और वो डिलोकलाइज हो गया सो दैट्स वाइट नॉट अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन फॉर एब्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोटान अभी चलिए नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर एनिलीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजिन सो नाइट्रोबेंजिन जो है ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडाइज फॉर्म है सो नाइट्रो ग्रुप इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ किसका नाइट्रोजन और एन एच टू जो है ये कौन है फिर ये रहेगा रिड्यूस फॉर्म क्योंकि इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है सो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ठीक है अब हमको करना है ऑक्सीडाइज कर, रिड्यूस करना है तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन रहेगी नाइट्रोग्रुप का आपको रिडक्शन करना पड़ेगा और इसलिए हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे कैटलिस्ट uh, होना बहुत ज़रूरी बिकॉज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होती है तो इसलिए रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंसिन अगर आपको करना है अरेल अमाइंस में तो हम जनरली कुछ रिएजेंट्स यूज़ करते हैं जिसमें सबसे पहला आता है आपका एच टू पी डी सी है ना यानी कि हाइड्रोजन गैस uh, uh, रहेगा और पैलाडियम एज इन चारकोल ठीक है दूसरा हम ले सकते हैं एच टू पी टू इन एसिड पीडी मीन्स प्लाटिनम या फिर हम कुछ मेटल एंड एसिड भी ले सकते एग्जाम्पल आयरन एच सी एल जिंक एच सी एल और एस एन एच सी एल ये सब हम यहाँ पे ले सकते हैं अब क्या होता है कि आयरन एच सी एल अगर हम लेंगे तो क्या रिडक्शन कर सकता है यस yes. आयरन और एच सी एल की जब रिएक्शन होती है तो आपको एक सॉल्ट मिलता है जिसका नाम है एफ ई सी एल टू और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है सो दैट हाइड्रोजन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन तो हमने ऑक्सीडाइज फॉर्म को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट किया यानी कि नाइट्रो ग्रुप का कन्वर्शन एन एच में किया हमने राइट दिस इज अ वन मेथड अनदर अल्टरनेटिव मेथड जो है आप बेंजीन जो है आपके पास दिस इज वॉट बेंजीन ठीक है हमने इसके पहले भी पढ़ा होगा बेंजीन बेंजीन का क्या करना है आपको नाइट्रेशन करना है ठीक है और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर नाइट्रोबेंजिन ये मिल गया हमको और नाइट्रोबेंजिन का आपको रिडक्शन करना है जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा एनिली मिलेगा तो एक स्टेप हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं आप आइदर डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं नाइट्रो नाइट्रोबेंजिन से या तो फिर आप बेंजिन से स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज द अनदर अल्टरनेटिव मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द वाइट फ्रॉम एनिलीन ओके फ्रॉम नाइट्रो बेसिकली नाइट्रो नाइट्रोबेंजिन से ही बना रहे हैं बट नाइट्रो नाइट्रोबेंजिन कहाँ से बना है तो ये आपको पता होना चाहिए सो नाइट्रो नाइट्रोबेंजिन इज कम्स फ्रॉम द बेंजिन और कौन सी रिएक्शन ये दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब रिएक्शन ठीक है जिसमें हम एच एन ओ थ्री और एच टी ओ सीफोर एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं और यहाँ पे आपको जो रिएक्ट यहाँ पे आपको जो इंटरमीडिएट आपको मिलता है वो है नाइट्रोनियम आयन सो सीधी सीधी बेंजीन की रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे और आपको नाइट्रोबेंसिन मिलेगा सो so, ये कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है अब हमको देखना है कि रिएक्शंस कैसे होते हैं अमाइनो कंपाउंड्स के ऊपर सो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दिखाता है जिसे प्रोटॉन लेने के लिए भी काम में आता है वो और वो किसी इलेक्ट्रोफाइल पर रिएक्ट करने के लिए भी काम में आता है इसका मतलब वो खुद रीच है अगर हम एसिड क्लोराइड यूज करते हैं एग्जाम्पल एसिड क्लोराइड मतलब आर सी ओ सी एल और यहाँ पे आर की जो वैल्यू रहेगी या आर जो रहेगा वो आपका अल्काइल ग्रुप रहेगा ठीक है डैश नाउ दिस लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक्ट ऑन टू द कार्बोनिल कार्बन फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉन्ड ओपन ऑन टू द ऑक्सीजन अगेन बॉन्ड विल बी रिस्टोर और बॉन्ड विल भी क्लोज टू कार्बन एंड सी एल विल बी फ्री बिकॉज सी एल क्या है यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप सो वन ऑफ द हाइड्रोजन एंड वन ऑफ द सी एल विल बी लिबरेटेड एज एच सी एल एड सो यू विल गेट द अमाइड एज ए प्रोडक्ट तो जब भी हम एसीडिल क्लोइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको हमेशा अमाइड जो है वो एज ए प्रोडक्ट आपको मिलता है अब उसी तरह से बेंजाइल क्लोराइड बेंजाइल क्लोइड का मतलब क्या हो गया कि वही लोन पे आपको लेने हैं और किस पे रिएक्ट करने हैं आपको वही कार्बोनिल कार्बन पे पहले बॉन्ड आपका ओपन हो जाएगा किधर ऑक्सीजन की तरफ ठीक है एंड वापस आपका क्लोज जाएगा किधर आपके कार्बन की तरफ और आपका सी एल यहाँ पर बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपको दो स्टेप में मैकेनिज्म नहीं करना है तो आप एक स्टेप में भी जा सकते हैं पहले लोन पर अटैक किया हमने तो ओ नेगेटिव बन गया इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी थी एस पी टू ये वाले कार्बन की और यहाँ पे जाने के बाद कितनी होगी वो दिस इज़ एस पी थ्री इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ठीक है अब क्या होगा कि जब ये ओ नेगेटिव चार्ज आपका रिस्टोर होगा यहाँ पे दिया है नेक्स्ट स्टेप में तो आपका सी एल निकल जा रहा है इसको बोलेंगे अपन एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप मतलब ये जो स्टेप है ये दो स्टेप में कहने समय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन सो दैट विल बी यूज द बेंजानिलाइड और अमाइड एज अ प्रोडक्ट ठीक है दिस इज द रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा आपका ब्रोमिनेशन यानी कि हाइलोजनेशन रिएक्शन सो uh, अनिलिन so, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि एनिलिन जो है बेसिकली अब हम मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि जो बेंजीन है बेंजीन पे अगर डोनर अटैच रहेगा एग्जांपल यहाँ पे हमारा एन टू है सो दिस डोनर डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट विच पोजीशन ये डोनेट करता है आर्थो पैरा पे ठीक है जिसकी वजह से वो पोजिशन क्या हो जाएंगे रिच हो जाएंगे और हमने जो यूज़ किया है वो है ब्रूमिन वाटर यानी कि आपका जो बी आर प्लस है जो बन रहा है आपका बी आर टू से वो सब जगह पे आपका रिएक्ट हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ और इसीलिए हमको ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट आपको मिलता है टू फोर सिक्स ब्रोमो एनिलिन अब अगर हम यहाँ पे सी एस टू डालते हैं तो फिर भी आपको ट्राई ब्रोमो ही प्रोडक्ट मिलता है या रिमेंबर दिस पॉइंट ओके अगर आपको इसका रेफरेंस चाहिए तो सो गो टू द एनसीआर टी और गो टू तो दट एनी रेफरेंस बुक तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि एनिलिन पे किसी सॉलून का इफेक्ट नहीं होता है तो आप चाहे सी एस टू डालो या चाहे बी आर टू वाटर डालो आपको मिलने क्या है टू फोर सिक्स ब्रोमो अगर हमको मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट आपको चाहिए तो सबसे पहले एनिलीन की जो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है उसको आपको ब्लॉक करना होता है विद द हेल्प ऑफ असाइलेशन जब आपने असाइलेशन किया तो क्या हो जाएगा सो दिस इज वॉट एन एच सी ओ सी एस थ्री अब ये बन गया एसिटा और अब हमको ब्रोमिनेशन करना है इसके अंदर अब हमने ब्रोमिनेशन किया तो तुमको uh, अब देखो ये नाइट्रोजन बेंजिंग के साथ अटैच है मतलब स्टिल डोनर है और डोनेट क्या करता है डोनर क्या करता है डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर आर्थ और पैरा पे इस वजह से आने वाला जो भी आपका कंपाउंड रहे, ब्रोमीन रहेगा और वो कहाँ पे जाएगा एन एच सी ओ सी एस थ्री ये जाएगा एक तो उसके आर्थों पे या तो जाएगा वो उसके पैरा पे ठीक है एन एच सी ओ सी एस थ्री और ये हो गया ब्रोमीन अब मुझे तो वो प्रोडक्ट चाहिए मेन हमारा तो मैं अगर मुझे ये प्रोडक्ट अगर चाहिए तो मैं इसको क्या करूँगा फिर हाइड्रोलिस कर दूँगा सो so, यहाँ पे मुझे पैराब्रोमो मिलेगा और एक आर्थोब्रोमो मिलेगा सो so, पैराब्रोमो जो रहेगा इस केस में वो तुम्हारा रहेगा मेजर प्रोडक्ट तो रिमेंबर अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट चाहिए या मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट अगर चाहिए तो पहले आपको इस नाइट्रोजन की लोन पेयर को डीएक्टिवेट करना होता है बाय यूजिंग द एसिटिल क्लोराइड ठीक है या फिर आप एसिटिक अनहाइड्राइड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं तो यही सही तरीका है आपको मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलने का ना इधर आप चाहे कोई भी सोलेंट यूज़ करो आपको टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो ही प्रोडक्ट मिलेगा चलिए एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम पढ़ते हैं जनरली डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन के लिए ठीक है और ये जो रिएक्शन है इसको अपन हॉफमन आइसोसाइनाइड सिंथेसिस बोल सकते हैं अब आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है ये होता है एन सी ठीक है कार्बिल अमीन रिएक्शन में जो हमने रिएजेंट यूज़ किया है ना वो होता है क्लोरोफॉम और अल्कोहलिक के यही रिएजेंट हमने यूज़ किया था रिमर टीमन रिएक्शन में कहाँ पर यूज़ किया होगा रिमर टीमन रिएक्शन होती है फिनॉल से सैलिस बनाने की जो रिएक्शन है बट यही रिएजेंट अगर हम एनिलिन पे डालते हैं तो कुछ और प्रोडक्ट हमको मिलता है ठीक है सो ये प्राइमरी अमीन जो है ये डिटेक्ट करने के लिए हम कार्बिन अमीन की रिएक्शन करते हैं जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो क्लोरोफाम है आपका सी एच सी एल थ्री इसकी रिएक्शन हम करते हैं केवज के साथ में जिसकी वजह से आपको मेन मॉलिक्यूल जो है या मेन रिएक्टेंट जो है आपको इंटरमीडिएट आपको मिलता है वो है डाइक्लोरोबीन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो कि कार्बिन है ये दिस इज वॉट कार्बिन और कार्बिन कितने होते हैं कार्बिन ओनली सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिसकी वैलेंसी सिर्फ दो ही होती है जो डेफिशेंट है इसलिए उसको अपन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं और द सिंपल रिएक्शन है ये नाइट्रोजन के लोन पर जो रीच है वो सीधा सीधा सी पे रिएक्ट करेंगे और फिर रीअरेंजमेंट वगैरह फिर एलिमिनेशन समथिंग समथिंग हो जाएगा एंड सो दैट विल बी फॉर्म ए एन सी सो प्राइमरी अमीन का कन्वर्शन आइसोसाइनाइड में होना सो so इसी रिएक्शन को हम कार्बिल अमीन टेस्ट बोलते हैं राइट सो so कार्बिल अमीन टेस्ट जो है एक टेस्ट है डिटेक्शन करने के लिए जहाँ पे प्राइमरी अमीन अगर होगा तो वो रिएक्ट होगा ठीक है अगर यही रिएक्शन अगर हम फिनॉल के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा सो so, फिनॉल के साथ की जाती है वो है रिमर टिमन रिएक्शन एग्जाम्पल फ़िनॉल है मेरे पास और उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा फिर सैलिसला एल्डीहड यानी कि हाइड्रोक्सी बेइनसाइल ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा so, और सेम रिएजेंट हमको यूज़ करना ठीक है सो डोंट बी कन्फ्यूज विद रिमर्टिमन रिएक्शन एंड कार्बिलामिन रिएक्शन ओके अल्क्यशन हम करवा सकते हैं जैसे एग्जांपल मैंने बताया आपको कि नाइट्रोजन लोन पेयर है ये फटाफट आपके एसेंटू रिएक्शन में जाएंगे और एक एक एच सी एल मॉलिकल निकलता रहेगा आपका ठीक है तो प्राइमरी अमीन मिलेगा सबसे पहले प्लस योर लॉस ऑफ आट एच सी एल वही प्राइमरी अमीन फर्दर हम रिएक्ट करेंगे मिथिल क्लोराइड के साथ में सी निकल जाएगा तो आपको एक कॉटनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा फिर आपका एच बाहर निकलेगा मतलब देखो अमोनिया से एक हाइड्रोजन गया मिथिल आ गया दूसरा हाइड्रोजन गया मिथिल आ गया दो दो मिथाइल हो गए अब हमने सेकेंडरी अमाइन लेकर फिर से एक बार रिएक्शन कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर भी जो है वह एच बाहर निकलेगा सो ये बनेगा आपका टर्सरी अमाइन सो ये रहा प्राइमरी यह रहा सेकेंडरी या रहा टर्सरी अब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस स्टार्टिंग कहाँ से किया लेकिन अमोनिया से सो अल्केलेशन ऑफ अमोनिया अल्किलेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन और अल्केलेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन ये जितने भी रिएक्शंस है ये सब रिएक्शन आपके किस किस मैकेनिज्म से जाते हैं एसेंटू मैकेनिज्म सो रिमेंबर डिस अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि आपके पास एक अमोनिया है और अमोनिया के ऊपर कुछ स्टार्टिंग मटेरियल नहीं डाला हुआ है डायरेक्टली प्रोडक्ट दिया हुआ है तो अब बात है कि हमको इतना पोर्शन चाहिए इथाइल ग्रुप हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे अमोनिया इज गोइंग टू रिएक्ट विथ इथिल हलाइड इथिल ब्रोमाइड ठीक है ये चला गया बाहर तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा और ये रहेगा तुम्हारा एच एक्स ऐसा हम बना सकते हैं उसके अंदर ठीक है ओके नेक्स्ट जो है आपका वो है हॉफमन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हॉफमन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का मतलब ये होता है कि जितने हाइड्रोजन है वो सबके सब रिप्लेस करके आपको मिथाइल ग्रुप वहाँ पे सब्सिट्यूट करना है ठीक है और एक्सेस ऑफ डालना है मतलब क्या हो जाएगा पहले एक निकलेगा हाइड्रोजन मिथाइल लगेगा फिर दूसरा निकलेगा मिथाइल लगेगा ठीक है अब दो हाइड्रोजन थे दोनों रिप्लेस हो गए मिथाइल लग गया तीसरी बार भी ये रिएक्शन होती है क्योंकि लोन पेयर अभी भी उसके पास बाकी है सो वो लोन पेयर पर पे और एक बार मिथाइल लग जाएगा इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट अब ये बन गया इसको बोलेंगे अपन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन जितने प्रेजेंट हैं सारे के सारे जगह पे आपने लगा दिया यहाँ पे दिया देखो सो दिस इज प्राइमरी अमीन प्राइमरी अमाइन पे मैंने रिएक्शन किया आरक्स की तो मुझे मिला सेकेंडरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन पे आर की रिएक्शन कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है टर्शरी अमाइन अब टर्शरी अमाइन के पास एक स्टिल लोन पेयर है तो वो रिएक्ट होगा आर के साथ एसेंटू रिएक्शन अब यहाँ पर डिसप्लेस करने के लिए तो कुछ है नहीं इसको तो इसीलिए वो वैसे आपका एक्स और एन पॉजिटिव रहेगा सो so, इसको बोलते हैं अपन कॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट ठीक है दिस मैकेनिज्म दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हॉफम एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन अब यहाँ पे एक आपको मैकेनिज्म इसका पूछा गया है कि क्या ये रिएक्ट होता है फर्दर क्या ये ब्रेक होता है हीट के प्रजेंस में तो यस yes. सो so, जैसे हमने इसको एग्जॉस्टिव मिथिलेशन के थ्रू ये बनाया यहाँ पे आए नेगेटिव लिखो पहले अब यहाँ पे हीट और ए किया हमने ए और वाटर की वजह से क्या होता है कि ए इज गोइंग टू कम्बाइन विथ वाटर इट फॉर्म सिल्वर हाइड्रोक्साइड ठीक है ए जी ओ एच दैट वो एच निगेटिव विल गोइंग टू टेक द प्रोटॉन आप कैसे लिख ले, लेते ये वाला हाइड्रोजन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर एक इधर से हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक इधर से हाइड्रोजन प्रेजेंट ठीक है तो आपका जो ओ एच निगेटिव आयन है वो एक बार यहाँ से प्रोटॉन लेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर पूरा का पूरा ग्रुप आपका निकल जाएगा तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है अगर ए जी टू यहाँ से प्रोटॉन निकालता है सो इट विल गोइंग टू कन्वर्ट टू जेड इस प्रोडक्ट नाउ तो जनरली क्या होता है कि हॉफमन बताता है कि जो मेजर प्रोडक्ट है आपका वो वही रहेगा जहाँ पे लीस्ट सब्सटूटे डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये ओनली एक ही से लगा हुआ है और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये दोनों सब्सटेशन से लगा हुआ है ठीक है तो इसलिए यहाँ पे हॉफमन प्रोडक्ट जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट आपका होता है सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग विद दिस लेक्चर एंड दिस इज़ अबाउट द अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स है ना हमने स्टार्टिंग अमोनिया से किया था और एंड हमने जो है वो अमाइंस uh, पे किया है ठीक है तो अमाइंस जो बेसिकली है ये डेरिवेटिव्स है जो बनते हैं कहाँ से आपके अमोनिया uh, से बनता है तो हमने जो है आज के इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन uh, पढ़ा उसका बेसिक्स बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा फैक्टर्स पढ़े हमने ठीक है और बाकी जो रिएक्शंस है वो हमने पढ़ा है सिंथेसिस भी हमने उसमें पढ़ा है ठीक है तो uh, आप इसी के साथ जो है इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और आपको अगर कहीं पे लगता है कि ये हमको समझ में आ गया तो इसको आप आपके स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा ठीक है और मोर अपडेट्स के लिए ऐसे ही वीडियो यहाँ पे बनते रहेंगे मोर अपडेट्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब और लाइक like भी कर सकते हैं थैंक यू